राज्य सरकार की ओर से हम लोग इस फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और लगातार फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म को लेकर अलग अलग राज्यों में प्रमोशन भी किया जा रहा है, तो वहीं इस फिल्म को लेकर देश में दो धड़े भी बन रहे हैं। एक तरफ बीजेपी शासित राज्य और उनके नेता इस फिल्म का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल पुराने साक्ष्यों को लेकर इस फिल्म के विरोध में भी खड़े दिख रहे हैं। हालांकि कई बीजेपी शासित राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो वहीं अब इस फहरिस्त में उत्तर प्रदेश भी शामिल हो गया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी, जिन्होंने इस वास्तविक सच को देश की जनता के सामने फिल्म के माध्यम से बाहर लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हर भारतवासी को द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को देखना चाहिए और गोधरा के सच को नजदीक से जानने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ सीएम योगी ने फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा भी की है। पूरा देश और पूरी दुनिया इस अद्भुत घटना का साक्षी बना है। उन स्थितियों में उन 69 राम भक्तों के प्रति भी हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। इस प्रकार के साहसिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस फिल्म को अधिक से अधिक प्रचार हो, लोग उस सत्य को देखें, इस दृष्टि से होगा। और राज्य सरकार की ओर से हम लोग इस फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे, जिससे प्रदेश भर में अधिक से अधिक लोग इस सच को देख सकें और जान सकें। मैं एक बार फिर से फिल्म के एक्टर और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। सीएम योगी ने लखनऊ के फिनिक्स प्लासियो मॉल के सिनेमा हॉल में पूरी फिल्म देखी। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खरकवाल, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन के अधिकारियों ने भी फिल्म देखी। इस खास मौके पर फिल्म के मुख्य अभिनेता विक्रांत मैसी और फिल्म यूनिट से जुड़े लोगों की भी मौजूदगी रही। इससे पहले एक्टर विक्रांत मैसी 20 नवंबर को लखनऊ आए थे और उन्होंने सीएम से शिष्टाचार भेंट की थी। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा, देश के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए देश में जो कृत्य हुए हैं, उसे देश की जनता को जानने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन चेहरों को पहचानने के साथ साथ उनका पर्दाफाश करने की भी आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि फिल्म की टीम ने सत्य उजागर करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। फिल्म के माध्यम से वास्तविक सच को एक बड़े रूप में देश के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इस बीच सीएम योगी ने अयोध्या का भी जिक्र किया और कहा कि मामला अयोध्या से जुड़ा है। मैं घटना में मारे गए सभी राम भक्तों को श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के साहसिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए लोग सत्य को अधिक से अधिक देखें। सीएम योगी राज्य सरकार की ओर से द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की गई है। दरअसल फिल्म द साबरमती रिपोर्ट एक सत्य घटना पर आधारित बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रंजन चांडेल ने किया है। फिल्म में विक्रांत मैसी, राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा लीड रोल में है। ये फिल्म साल 2002 में हुई साबरमती एक्सप्रेस की दिल दहला देने वाली घटना से प्रेरित है। एकता कपूर इस फिल्म के निर्माता हैं। 15 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी तारीफ की है। डेस्क रिपोर्ट आज की खबर।